हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था लेंस, है ना। हमने लेंस के बारे में पढ़ा था, लेंस क्या होता है, कितने टाइप का होता है, और दो टाइप का होता है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, और उनके भी हमने डेफिनेशंस पढ़ ली थी, और कॉन्वेक्स और कॉनकेव के भी हमने टाइप्स पढ़ लिए थे। ठीक है, तो इसके भी कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो जिसमें थिनर होता है कॉर्नर्स पे या एजेस पर, और थिकर होता है सेंटर पर, वो कॉन्वेक्स लेंस है। ये तीन टाइप के थे, डबल कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, है ना। इनकी बात अपन कर चुके थे। इसके अलावा कॉन्वेक्स में भी अपन तीनों टाइप पढ़ चुके थे, डबल कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, अच्छा ये तो डिफाइन किया था। फिर कॉनकेव जो लेंस है उसमें भी अपन तीनों टाइप के पढ़ चुके थे, ठीक है ना। ये वाले बाय कॉन्वेक्स, प्लेनो बाय कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव और कॉन्वेक्सो कॉनकेव, ठीक है। अब कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस में क्या होता है, ये एजेस पर तो कैसे होते हैं, थिकर होते हैं, और जो सेंटर होते हैं वहाँ पर वो थिनर होते हैं। तो हमने डिफरेंस भी देख लिया था दोनों में, और इनके टाइप्स भी हम लोगों ने देख लिए थे, और मैंने आपसे कहा था कि इनको आप डिफाइन कर लेना। होगा वही कि इसमें बोथ सर्फेस आर कॉनकेव, इन दिस प्लेनो कॉनकेव में क्या होगा, वन सर्फेस इज प्लेनर एंड अदर सर्फेस इज कॉनकेव, और इसमें क्या होगा, एक कॉन्वेक्स होगी और दूसरी कैसी होगी, कॉनकेव होगी, ठीक है भाई। तो इतनी बात अपन लोग कर चुके थे। आज मैंने आपसे कहा था कि हम कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एक्शन देखेंगे। अच्छा, जब हमने लेंस शुरू किए थे तो उसमें टाइप जब मैंने बताए थे कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव, तो मैंने आपसे कहा था कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, ये क्या करता है, इसका फोकस जो है वो रियल होता है, और दूसरी बात ये क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज करता है मतलब ये एक जगह पर सेंटर्ड कर देता है लाइट को फोकस पर। आप कैसे करता है वो अपन देखेंगे, लेकिन कन्वर्ज वर्ड का मतलब होता है एक जगह पर सेंटर करना। तो कॉन्वेक्स लेंस तो क्या काम करता है, कन्वर्ज करने का, लेकिन इसका जो जस्ट उल्टा है वो है कॉनकेव लेंस में, ये क्या करता है, ये डाइवर्ज करता है। हमने लिखा भी था इसको, दीज लेंसेज डाइवर्ज दी पैरेलल बीम लाइट रिफ्रेक्टेड थ्रू इट, और इसका फोकस भी कैसा होता है, वर्चुअल। अब आज हम ये दोनों बातें देखेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा हेडिंग है कन्वर्जिंग एक्शन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। हमने कहा भी था कि कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है। तो कन्वर्जिंग एक्शन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड डाइवर्जिंग एक्शन ऑफ कॉनकेव लेंस, ठीक है ना। आज अपन इसको देखेंगे भी कैसे, है ना। देखें, सबसे पहले मैं बता रही हूँ कन्वर्जिंग एक्शन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस कैसे होते हैं, ये है हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस जो कि थिनर एट दी एजेस एंड दी थिकर एट दी सेंटर, ठीक है। तो ये मेरे पास कैसा लेंस है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स में भी ये कौन सा लेंस है, बाय कॉन्वेक्स लेंस या फिर डबल कॉन्वेक्स लेंस जिसको अपन बोलते हैं वो वाला है। इसकी दोनों ही सरफेसेस कैसी हैं, कॉन्वेक्स हैं, ठीक है ना। अब अगर क्या हो कि इस पर पैरेलल बीम अगर इंसिडेंट करे, किस पर, इस तरीके के लेंस पर अगर पैरेलल बीम इंसिडेंट करे तो क्या होगा, है ना। इंसिडेंट कर रही है, ये लो, तो इंसिडेंट करने के बाद पता है क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हमने फोकस पढ़ा था, तो मैंने आपको बोला था कि फोकस वो बिंदु होता है या वो पॉइंट होता है जहाँ पर अगर पैरेलल बीम लाइट जो है वो क्या करती है, सेंटर्ड हो जाती है, तो वो उसका क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। तो अगर आप देख रहे हो यहाँ पे ध्यान से, तो आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से जो है ये चार बीम लाइट हमने पैरेलल शो की, और ये लेंस में से गुजरने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पर सेंटर्ड हो जाती है। इस पर्टिकुलर पॉइंट को अपन क्या नाम देते हैं, फोकस। क्या क्या नाम है इसका, फोकस। इस बिंदु पर ये सेंटर्ड हो जाती है, तो आप देख भी रहे हो कि इसका फोकस कैसा होगा, एक्चुअल फोकस कैसा होगा, एक्चुअल या फिर रियल फोकस होगा। और ये लाइट को क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, तो हम इसको बोलेंगे कन्वर्जिंग लाइट। बात समझ में आ रही है। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उस पर अगर पैरेलल रेज या पैरेलल बीम इंसिडेंट होती है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पर सेंट्रलाइज्ड हो जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट लेंस बोलते हैं। लेकिन अभी जो इसका जस्ट उल्टा है वो किस में होगा, डाइवर्जिंग एक्शन किसका होगा, कॉनकेव लेंस पर। तो अब ज़रा देखिए, ये मेरे पास एक कॉनकेव लेंस है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, एक कॉनकेव लेंस है। अब कॉनकेव लेंस में हमने कहा था दिस इज़ थिनर एट दी सेंटर एंड थिकर एट दी एजेस। तो इसमें क्या होगा, अगर देखो इस पर पैरेलल बीम अगर इंसिडेंट होगी, तो पता है क्या होता है, इस पर जब पैरेलल बीम इंसिडेंट होती है, ये लो पैरेलल बीम इंसिडेंट हो गई कॉनकेव लेंस पर, तो इसमें क्या हुआ, इंसिडेंट होने के बाद ये लाइट जो है इस तरीके से डाइवर्ज हो जाती है ना। ये लो, ये भी डाइवर्ज हो गई, ठीक है, ये इस तरीके से डाइवर्ज हो गई, और ये क्या करती है, ये इधर नीचे डाइवर्ज हो गई,
समझ में आ गई। अब डाइवर्ज होने के बाद फिर ये मिलेंगी कहाँ पर, इनको पीछे बढ़ाओ, इनको जब आप पीछे बढ़ाते हो तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये सारी लाइट्स जो है ये मिलेंगी, ठीक है। इसको भी पीछे बढ़ाओ और इसको भी पीछे बढ़ाओ, समझ में आ गई। तो पीछे बढ़ाने पर मतलब ऐसा लगता है हमें मिलती हुई दिखती है, सीम्स टू बी सेंट्रलाइज्ड, बट एक्चुअली ये सेंट्रलाइज नहीं होती। तो ये पर्टिकुलर एक बिंदु ये इसका फोकस कहलाएगा, और ये फोकस भी कैसा होगा, इसका वर्चुअल फोकस होगा, कैसा होगा, वर्चुअल फोकस होगा, ठीक है। और ये लाइट को क्या कर रहा है, डाइवर्ज, तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो डाइवर्जिंग लाइट। तो ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट काम करता है। ये मेरा लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस, जबकि ये लेंस कौन सा है, कॉनकेव लेंस। बात समझ में आ रही है। तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस एक दूसरे के जस्ट अपोजिट काम करते हैं। जहाँ कॉन्वेक्स लेंस पैरेलल बीम या पैरेलल लाइट जो आती है उसको ये सेंट्रलाइज्ड करने का काम करता है, इसलिए अपन इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। और जो इसके अपोजिट जो आपका कॉनकेव लेंस होता है वो लाइट को दरअसल डाइवर्ज करता है, लेकिन उन डाइवर्जिंग लाइट को जब अपन पीछे मिलाते हैं तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से आती हुई दिखती हैं, ऐसा लगता है कि वो सारी लाइट जो है वो यहाँ पर मिल रही हैं, लेकिन एक्चुअली वो क्या करती है, वो मिलती नहीं है। इसीलिए दरअसल ये मिलती नहीं है, ऐसा लगता है कि ये मिल रही है, इसलिए इसको बोलते हैं वर्चुअल फोकस, इमेजिनरी होता है, लेकिन यहाँ पर वास्तव में मिलती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल फोकस मिलता है बोलते हैं। समझ में आ गई। अब इसको लिख लेते हैं अपन इसको, ठीक है, समझने का इसमें यही था। चलिए ज़रा देखें, लिखेंगे इसको इन कॉन्वेक्स लेंस, या फिर इस तरीके से लिख लेंगे, वो डायग्राम आप बना लेना, उसके नीचे फिर ये लिखना जो मैं बोल रही हूँ, द कॉन्वेक्स लेंस बेंड्स, बेंड्स मतलब मोड़ देता है, बेंड्स द पैरेलल पैरेलल बेंड्स द पैरेलल रेज इंसिडेंट ऑन इट, यानी कि इस पर जितनी भी पैरेलल रेज पड़ती हैं उनको ये क्या कर देता है, मोड़ने का काम करता है। कहाँ पर मोड़ता है, टुवार्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो प्रिंसिपल एक्सिस ये हम पढ़ चुके हैं पहले, मिरर में जो था वही इसका भी प्रिंसिपल एक्सिस होगा, इसीलिए मैंने वो डेफिनेशन वहीं पढ़ा दी थी, तो वो आपके मिरर में भी काम आ जाएंगे और लेंस में भी। तो ये क्या करता है, प्रिंसिपल एक्सिस पर क्या करने का काम करता है, देखो ना ये ना यही तो है प्रिंसिपल एक्सिस, जो उसके कहाँ से पास होता है, ये लो ये जो पास होने वाला एक्सिस है ये कौन सा एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है ना, सारी डेफिनेशन हमने पढ़ लिया। तो प्रिंसिपल एक्सिस पर ये मोड़ने का काम करता है, एंड सेंट्रलाइज्ड them and centralized them at a point, है ना, और उस पॉइंट को अपन क्या नाम देते हैं, फोकस, ठीक है। देयरफोर इट इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट लेंस, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट लेंस भी बोलते हैं। जबकि दूसरा जो लेंस है उसमें जस्ट उल्टा होता है, वेयर एज द कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस वो बेंड नहीं करता, वो शिफ्ट करता है, यानी कि वो दूर लेकर जाता है लाइट को, इसलिए तो डाइवर्जेंट बोलते हैं उसको। लेंस शिफ्ट द पैरेलल बीम लाइट, शिफ्ट द पैरेलल रेज इंसिडेंट ऑन इट अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या काम करता है, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर करने का काम करता है, अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, समझ में आ गई। प्रिंसिपल एक्सिस ये ए एल आएगा, ठीक है, समझ में आ गई। इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स दिस लेंस स्प्रेड, यानी कि ये फैलाने का काम करता है, स्प्रेड देम, देम किसको मतलब रेज को स्प्रेड करने का काम करता है, ठीक है। देयरफोर इट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट लेंस। तो जो कन्वर्जेंट लेंस है हमारा, वो हमारा कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस,
यानी कि जो कॉन्वेक्स लेंस है उसी का दूसरा नाम क्या है, कन्वर्जेंट लेंस, जबकि जो कॉनकेव लेंस है उसका दूसरा नाम क्या है, डाइवर्जेंट लेंस। क्यों है नाम इनके, वो भी हमने समझ लिया, क्योंकि एक लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करने का काम करता है, और दूसरा लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करने का काम करता है। इसका एक्चुअल फोकस होता है और इसका वर्चुअल फोकस होता है। तो इतनी बात अपन लोगों ने कर लिया, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका यहीं पे लेंस से रिलेटेड जितना भी है वो हो जाता है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट आपका इसमें जो आता है लेंस से रिलेटेड टॉपिक, वो है पावर ऑफ लेंस। जैसे आप लोग जिन जिन के बच्चों के स्पेक्स लगे हुए हैं, है ना, उनका लेंस कौन सा होता है ना। अगर आप सुनो तो जो ये जो मैंने कॉनकेव लेंस बनाया था ना, कॉनकेव लेंस, ये लेंस वो लेंस होता है उन बच्चों के लिए जिनको पास का तो दिखाई देता है लेकिन दूर का नहीं दिखाई देता है। यानी कि कम उम्र में जो आंखें ख़राब होती हैं, तो वो जो आप लेंस लगाते हो ना, वो दरअसल कॉनकेव लेंस होता है। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो, एज के साथ जो लेंस लगता है ना, वो जो वो दूसरा वाला लेंस होता है, उसमें लगता है आपका कॉन्वेक्स लेंस। तो एज के साथ जो लेंस लगता है वो होता है कॉन्वेक्स लेंस, और जो छोटी उम्र में लगता है ना बच्चों के लेंस, वो होता है कॉनकेव लेंस। समझ में आ गई बात आपको। तो अब आपने ये पढ़ा होगा पावर ऑफ लेंस। जैसे अपन पूछते भी हैं कि भाई तुम्हारा चश्मा जो लग रहा है, स्पेक्स लगे हुए हैं, ये कितने नंबर का चश्मा है। नंबर जो अपन उससे पूछते हैं ना, वही तो पूछते हैं अपन कि कितने पावर का चश्मा है, है ना। तो लेंस की पावर को अपन डिफाइन करेंगे कि किसी भी लेंस की पावर क्या होती है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो अब हम ये जानते हैं, अब हमने पढ़ लिया कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो तो लाइट को कन्वर्ज करने का काम करता है, जबकि कॉनकेव लेंस जो होता है वो लाइट को डाइवर्ज करने का काम करता है। तो पावर क्या है किसी भी लेंस की, वो यही है, यानी कि कोई भी लेंस किसी भी लाइट को कितना ज़्यादा बेंड कर सकता है, वो उसकी कैपेसिटी, उसका क्या कहलाती है, पावर कहलाती है। बात समझ में आ गई। मान लो किसी बच्चे की आंख जो है, आपने जैसे नंबर सुने होंगे ना, आपने किसी का कहते हो -1 है, किसी का कहते हो -2 है, किसी का कहते हो -3 है, है ना। तो जो -1 वाला बच्चा है, उसके लेंस को, यानी कि उसके चश्मे के लेंस को आने वाले लाइट को कम बेंड करने की ज़रूरत है, तो उसका कम पावर का चश्मा है। लेकिन मान लो किसी का -5 है, -6 है, तो वहाँ पर आपका इमेज बनाने के लिए, आपके चश्मे पर या आपकी आँख पर इमेज बनाने के लिए लाइट को ज़्यादा बेंड करने की ज़रूरत है। उसकी पावर ज़्यादा क्यों है, क्योंकि वो ज़्यादा बेंड करेगा। तो जो लेंस जितनी ज़्यादा बेंड कर पाएगा किसी भी लाइट को, वो उसकी उतनी ज़्यादा पावर होगी। बात समझ में आ गई। किसी की कम ख़राब है तो कम पावर का लेंस चाहिए, कम पावर का लेंस चाहिए, इसका मतलब उसका लेंस लाइट को कम बेंड करेगा। लेकिन जिसके ज़्यादा पावर का लेंस है ना, तो उसका लेंस आने वाली पैरेलल लाइट को क्या करेगा, ज़्यादा बेंड करेगा। बात समझ में आ गई। तो पावर ऑफ लेंस एक्चुअली द कैपेसिटी ऑफ लेंस टू बेंड द इंसिडेंट लाइट। आ गई बात समझ में। तो हम जो स्पेक्स पहनते हैं उसका काम क्या है, एक्चुअली स्पेक्स पहनने से हमें चीज़ें साफ क्यों दिखाई देती है और हटाने पर क्यों नहीं दिखाई देती, उसका रीज़न ये है कि हमारे जो आँखों का रेटिना होता है, उस पर जो है इमेज बनती है, हर चीज़ की इमेज बनती है, इसलिए हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। लेकिन जिन बच्चों की आँखें ख़राब हो जाती हैं, बच्चों की बात कर रही हूँ, दैट मीन्स कि जो पास का देख सकते हैं लेकिन दूर का नहीं देख पाते, तो उनका क्या होता है कि जहाँ आपका इमेज बननी चाहिए उस जगह पर इमेज नहीं बनती, और उससे पहले इमेज बन जाती है। मतलब आँख है, जैसे सपोज करो ये आँख है, तो आँख के मान लो जिस पार्ट पर इमेज बननी चाहिए थी, उसके पहले कहीं इमेज बन जाती है, उस जगह पर नहीं बनती है जहाँ बननी चाहिए। इसलिए अपन क्या काम करते हैं, स्पेक्स लगाते हैं। समझ में आ रही बात। ये स्पेक्स यानी कि लेंस क्या काम करता है, उसी जगह पर इमेज बनाने का काम करता है जहाँ पर इमेज एक्चुअली बननी चाहिए। बात समझ में आ गई। यानी कि आने वाली जो लाइट है उसको ये क्या करता है, बेंड करने का काम करता है, यानी कि मोड़ कर ये उस जगह पर लेकर जाएगा जिस जगह पर आपकी आँख पर इमेज बननी चाहिए। समझ में आ गई बात। किसी बच्चे की कम आँख खराब है, दैट मीन्स आने वाली लाइट को कम बेंड करने की ज़रूरत है, तो कम पावर का लेंस चाहिए। बात समझ में आ गई, ठीक है। लेकिन मान लो किसी की, मान लो -5 है, -6 है, दैट मीन्स कि उसका पावर हाई है, चश्मे का पावर हाई है, दैट मीन्स कि वहाँ पर लाइट, वहाँ पर इमेज और भी पहले बन रही है। बात समझ में आ गई। जितनी आगे जाती जाएगी इमेज, उतना ही ज़्यादा आपके लेंस को, आपके आने वाली लाइट को क्या करना पड़ेगा, बेंड करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है आपको। तो उसकी पावर भी उतनी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आ गई। तो डिफाइन कर लेते हैं पावर क्या है। पावर क्या है, द कैपेसिटी ऑफ बेंडिंग द रेज, बेंडिंग द रेज बाय अ लेंस is known as the power of lens, ठीक है। और वी कैन से, हम इससे क्या कह सकते हैं,
भाई मेन डेफिनेशन तो ये हो गई, किसी भी लेंस की बेंड करने की जो कैपेसिटी है वो उसकी पावर है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा किसी भी एबिलिटी होगी बेंड की, जितनी ज़्यादा एबिलिटी किसी भी लेंस की होगी लाइट को बेंड करने की, उतना ही ज़्यादा उसकी पावर होगी। और वी कैन से दैट मोर इज़ द एबिलिटी टू बेंड, मोड़ने की जितनी ज़्यादा क्षमता है उतनी ज़्यादा पावर है। बेंड द लाइट रेज ग्रेटर इज द पावर, ग्रेटर इज द पावर ऑफ लेंस। बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब क्या है, तो व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस इज द कैपेसिटी ऑफ बेंडिंग द लाइट रेज बाय लेंस, और वो उसकी क्या कहलाती है, पावर ऑफ लेंस कहलाती है। इसका मतलब क्या है, हम ये कह सकते हैं मोर इज द एबिलिटी टू बेंड, मतलब जितनी ज़्यादा किसी भी लेंस की एबिलिटी होगी किसी भी लाइट रे को बेंड करने की, दैट मीन्स ग्रेटर इज द पावर ऑफ लेंस, यानी कि उसकी पावर भी उतनी ही ज़्यादा होगी। बात समझ में आ गई? तो हम ये कह सकते हैं कि पावर ऑफ अ लेंस कैन बी डिफाइंड कैसे, द डेविएशन प्रोड्यूस बाय द लेंस। डेविएशन मतलब आने वाली जो लाइट है उसमें कितना डेविएशन हुआ, मतलब वो सीधी गई तो वो अपने रास्ते से कितना मुड़ी, ठीक है, तो वो डेविएशन ही उसका क्या कहलाएगा, लेंस का, वो कहलाएगा उसका पावर ऑफ लेंस। बात समझ में आ गई? आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, पावर ऑफ लेंस को कल मैं कंटिन्यू करके, कल मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करूँगी आपका और उसको फिर कंप्लीट करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस को, ठीक है। थैंक यू सो मच।